अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल रात की काफ़ी सर्दी हो चुकी है, और सर्दी के मौसम में ये जो डब मैंने लगाई हुई ये ज़्यादा सर्दी सर्वाइव नहीं करती। लेकिन रात को जो मैंने चूल्हा या हीटर नहीं लगाया, लेकिन सुबह से मैंने लगाया था, लेकिन थोड़ी देर पहले ना बंद कर दिया था, तो अब फिर सर्दी थोड़ी होने लग गई है। तो मैं आया हूँ अपनी एवरी में, तकरीबन पौने नौ का टाइम हो चुका है। तो मैं अपनी एवरी में आया हूँ ताकि मैं चूल्हा चला सकूँ और अपने बर्ड्स की अपडेट ले सकूँ बर्ड्स कैसे हैं। तो आए आपको भी दिखाता हूँ, साथ अपने काम करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ, आपको भी शेयर करते हैं। आए दोस्तों अब चूल्हा जलाते हैं ताकि हमारे बर्ड्स कोई सर्दी से बच सकें। माचिस पकड़ ले, माचिस चूल्हा जलाते हैं। अब वीडियो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और एक हाथ से चूल्हा नहीं जल सकता, क्योंकि माचिस जलानी पड़ती है। और मैं चूल्हा जला के आपको मिलते हैं। तो दोस्तों चूल्हा चल चुका है, हमारे अपने बर्ड्स को देखते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने कुछ दिन पहले इनकी लगाए थे बॉक्सेस, तो माशाल्लाह इन्होंने नेस्टिंग मुकम्मल करके अंडे भी दे दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखा, हो सकता है आपको नज़र आए, हो सकता नहीं, मुश्किल ही नज़र आए। इधर इन्होंने अंडा भी दे दिया, इधर भी कुछ नहीं दिया। तो अब हम आते हैं हमारी डब की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में दिखाया था कि इस पेड़ ने अंडा दे दिया था और बच्चा भी इसमें से निकल आया था, लेकिन बच्चा एक दो दिन का छोटा था तो वो निकलते ही मर गया था। तो अब दोबारा अंडों के लिए तैयार है, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दो दिन में अंडे दे देगी। और इस पेड़ ने अंडे दे दिए हैं, ये जो रेड का पेड़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, इस पेड़ ने अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह। ये मेल बर्ड बैठा है, फीमेल जो है वो बैठी है नेस्ट में। तो माशाल्लाह जितने भी पेयर हैं लगाए हैं मैंने, माशाल्लाह सारे अंडों के लिए बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द सबके अंडे नेस्टिंग में अंडे लाजमी होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये देखें, ये माशाल्लाह पाइट के पेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने पाइट के पेयर और परचेज किए हैं। ये पट्ठे हैं, अभी अडल्ट पीस हैं, तकरीबन 4 माह के पीस हैं ये, आप देखें माशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी हौसला बधाई होगी और मैं नई से नई और वीडियो बनाऊँगा। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। और दोस्तों ये एक पेयर है, इनको लकवा हो चुका है, मैं धूप में भी रख रहा हूँ, लेकिन कैल्शियम वगैरह भी दे रहा हूँ, लेकिन ना कुछ बेहतर नहीं हो रहे। अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनको क्या देना चाहिए, इनका लकवा हो जाए, सही हो जाए। ज़्यादा नहीं है, मतलब अब पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम हो गया, लेकिन अब बिल्कुल सही नहीं हो रहा, तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया सही नहीं हो रहा इनका। और ये थी कि मैंने आपको बताया भी था कि ये ब्लैक टेल ने 2 बच्चे निकाले हैं, लेकिन इसका एक बच्चा मर गया था, पता नहीं क्या इसको बात है, ये एक ही बच्चा पालती है, जो है एक ही बच्चा पालता है। पिछली बार इसने एक ही बच्चा पाला था, इस बार भी एक बच्चा ही मर गया, पता नहीं। अब ये मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये क्यों होता है ऐसा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पेयर है, लेकिन ये बच्चे नहीं सही पालता। और ये देख माशाल्लाह काफ़ी पेयर की पेयर लग चुके हैं, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी पेयर लग चुके हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अंडे भी देंगे। ये देख माशाल्लाह, ये ओपल का मेल है और रेड की फीमेल साथ लगी हुई है, ये भी पेयर लग चुका है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मेल है ओपल का, बहुत ही खूबसूरत ये मेल है। ये मेरे पास माशाल्लाह 3 मेल हैं ओपल के, बहुत ही खूबसूरत है। इधर ये देखें, ये मेरे भाई के सेटअप है, ये फिंचिस का। पहले यहाँ पे ये कलोनी थी, लेकिन अब कलोनी यहाँ से हटा दी है, तो ये अब केज बाई केज लगा दी है। तो माशाल्लाह इनकी ब्रीड माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं, सब में नेस्टिंग इन्होंने कर ली है, मुकम्मल कर लिया है। थोड़े हफ्ता कोई हफ्ते से 10 दिन हुए हैं इनको केज लगाए, तो माशाल्लाह सबके ना नेस्टिंग हो गई है। ये देखें सब ने अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है।
और ये एक कलोनी ये मैंने लगाई है जो जो ये फिंचेस के जो बच्चे मेरे निकले थे, ये बच्चे मैंने अलग कर दिए हैं सेपरेट केज में। मैंने आपको बताया भी था कि मैं मॉर्निंग में अलग करूँगा, तो ये मैंने अलग कर दिए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में इसलिए अपनों खुश रखें, और मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर लाजमी करें, अपने मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें। और